अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका भाई इस चीज़ से फिर हाजिर है एक और शानदार वीडियो के साथ। आज हम आपको एक और खूबसूरत जगह का विजिट करवाने वाले हैं। ये जगह ओडेडा स्टेशन से करीब है और टंडवादम से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। सुना है ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस जगह को डे दरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि 10 दरिया इसे उर्दू में कहते हैं। तो आइए चलकर देखते हैं क्या वहाँ की खूबसूरती है, क्या वाकई वो जगह खूबसूरत है या नहीं। तो आइए जर्नी स्टार्ट करते हैं। इस वक्त हम देदरी पहुंच चुके हैं और टाइम 4:15 का हो चुका है। 3:30 बजे हम लोग घर से निकले थे और तकरीबन 45 वैसे तो आधे घंटे का रास्ता है, लेकिन क्योंकि हम रुकते हुए आए थे तो इसी वजह से हमें यहाँ पर पहुंचने में 45 मिनट लग गए थे। तो अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह का मतलब बना हुआ है। तो आइए आपको ज़रा वीडियो दिखाते हैं।
इस वक्त हम यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक और चाय वगैरह के लिए बैठे हुए हैं। ऑर्डर हमने चाय का दे दिया है और आमिर और तोहिद मेरे साथ हैं, इन्होंने चाय पीनी है और मैंने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है। और इस वक्त यहाँ पर बड़ा ही पुरसकून माहौल हुआ हुआ है, चारों तरफ जो है ना बिल्कुल पुरसकून हवाएँ चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएँ हैं। और ये जिस वक्त हम बैठे हैं ये बिल्कुल हमारे साइड में नहर बनी हुई है, नहर के बिल्कुल बराबर में एक जो है ना तखत रखा हुआ है, तखत पर हम बैठे हुए हैं और बराबर में हमारे ये रोड है, रोड के बिल्कुल सामने जो है ना ये छोटा सा एक हाट बना हुआ है, यहाँ पे चाय वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये लाइन से काफ़ी सारे यहाँ पर हाट वगैरह बने हुए हैं, चाय की खेती है मुख्तलिफ और काफ़ी यहाँ पर जो है शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, सिर्फ तो खाने पीने की हर चीज़ की यहाँ पर चीज़ें मैसर हो जाती हैं। और बाकी बहुत ही पुरसकून, बहुत ज़्यादा यानी कि खूबसूरत यहाँ का मंज़र है। हमें यहाँ पर आए हुए तकरीबन भी 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, 5:15 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे थे और इस वक्त जो है 6:30 बजने वाले हैं और हमने वापसी के लिए चलना है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत यहाँ का मंज़र था, पुरसकून यहाँ का माहौल था और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है मज़ा आया था। और चारों तरफ ये समझ लें कि इस वक्त यहाँ पर पानी है और दुकानें बनी हुई हैं साइडों में, छोटे छोटे यानी कि कैबिन बने हुए हैं जिन पर चाय मौजूद हैं और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक वगैरह इन चीज़ों के यहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हैं। और पार्क वगैरह कोई इस तरह का सीन नहीं है बैठने का, यहाँ पर सिर्फ साइड में कोई तख्त वगैरह लगाए हुए होटल के बाहर या कुर्सियाँ रखी हुई हैं, बस उन्हीं पर आके बैठ सकते हैं आप। इसके अलावा कोई यानी क्या यहाँ पर पार्क वगैरह का ऐसा कोई सीन नहीं है। ये पीछे आप देख सकते हैं हमारी पूरी खूबसूरत नहर दे रही है और दूसरी साइड यहाँ पर इसका रास्ता है, फिर गेट्स वगैरह बने हुए हैं और इसी तरह मुख्तलिफ रास्तों के ऊपर जो है ना ये बनाई गई है और इसकी इस नहर से जो है ना कई नहरें निकल रही हैं। ये उडेरोला की नहर के लाल इसी नहर से आगे मुख्तलिफ यानी कि शहरों की तरफ नहरें निकलती हैं, तो इसी वजह से इसे डेदरी कहा जाता है, यानी कि इसके इस एक नहर से 10 नहरें निकलती हैं। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अपने भाई को दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।